मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5,000 में चलता था, अब 15,000 भी पूरे नहीं पड़ते, 5,000 में घर का खर्च चलता। मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे, वो सरकारी नौकरी में थे, तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनख्वाह मिली थी, और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में, महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के, हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के, पिताजी कहते थे उन्होंने 2 तोला सोना खरीदा था, और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था 2 तोले सोना, इतने पैसे बचते थे। अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी 20,000 हो जाए तो 2 तोला सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि 15,000 खर्चे में चले जाते हैं, 5,000 बचता है। माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश, जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपए का क्यों मिलता है? महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि टैक्स है। आपको ये बात तो मालूम है ना, नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता, फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है, दोनों ही टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है, उसको 15 रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है। क्यों? टैक्स है उस पर। भगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है। भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी, भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी, भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है, सरकारों ने इस पर टैक्स लगा रखा है।